इस जीवन में तो नहीं। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठाकुर जी ने बुलाया छोड़ दिया। इस प्रश्न का जवाब बहुत बार दे चुका हूँ। ठाकुर ने बुलाया अपनी सेवा में, छोड़ दिया तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो आपने 500 इनकाउंटर किए, किए तो किए। उस समय हम पुलिस ऑफिसर थे, तो पुलिस ऑफिसर के रूप में जो मेरी भूमिका थी उसका निर्वहन किया। अब नौकरी में DGP से हम इस्तीफा दे करके आ गए तो आ गए। अब तो हम ठाकुर जी की सेवा में है, आप लोगों की सेवा में है, बाकी तो हमारा कोई मतलब नहीं है। पीछे की बात पूछने से क्या फायदा। कोई व्यवस्था आ जाए, कोई समाज सुधारक आ जाए, कोई कानून बना दीजिए, इसमें सुधार संभव नहीं है। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे अब अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, लोगों को भागवत कथा सुनाते हैं। सहरसा में भी वो 7 दिवसीय भागवत कथा में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां मीडिया के सवालों के जवाब देते देते गुप्तेश्वर ने कहा कि वो इस जीवन में तो राजनीति में वापस नहीं जाना चाहेंगे। इस जीवन में तो नहीं, गारंटी नहीं। गुप्तेश्वर पांडे का ये बयान उनके टूटे दिल का हाल बयां कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वही गुप्तेश्वर पांडे हैं जिन्होंने बिहार चुनाव के तुरंत पहले इस्तीफा दे दिया था। फिर वो JDU के साथ जुड़ गए इस उम्मीद में कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ने का मौका देंगे, लेकिन ये मुमकिन ना हो पाया। गुप्तेश्वर पांडे ने DGP के पद से तो हाथ धोया ही, इसके साथ ही उनकी बड़ी हंसी उड़ी। लगता है इन्हीं सब कारणों से पूर्व DGP इस जीवन में राजनीति की ओर वापस नहीं जाना चाहते हैं। इस जीवन में तो नहीं, गारंटी नहीं। और तो और कभी बिहार पुलिस के मुखिया रहे पांडे जी को ये भी लगता है कि अध्यात्म से ही राज्य की कानून व्यवस्था ठीक होगी। जिस तरह से समाज में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, क्या लगता है कि अध्यात्म चेतना नहीं, यस नहीं, अध्यात्म से ही समाज बदलेगा। कोई व्यवस्था आ जाए, कोई समाज सुधारक आ जाए, कोई कानून बना दीजिए, इसमें सुधार संभव नहीं है। क्योंकि ये अपराध की घटना या विधि व्यवस्था की घटना में जो बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, उसका मूल कारण है व्यक्ति की चेतना में गिरावट। व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। व्यक्ति की चेतना में गिरावट आएगी तो समाज की सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी, फिर समाज से ही राष्ट्र बनता है तो राष्ट्र की चेतना में गिरावट आएगी। व्यक्ति की चेतना में जब तक उत्कर्ष नहीं होगा, तब तक अपराध नहीं रुकेगा, विधि व्यवस्था की समस्या नहीं रुकेगी, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, अन्याय नहीं रुकेगा, शोषण नहीं रुकेगा, जुर्म नहीं रुकेगा और पाप नहीं रुकेंगे। व्यक्ति के विचार में, व्यक्ति की चेतना में उत्कर्ष ही इसका समाधान है। जो तम प्रधान लोग हैं, रज प्रधान लोग हैं, वो जब तक सत्व प्रधान नहीं होंगे, तब तक ये सब चाहे जितना लाख जत्न कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, ये रुकने वाला नहीं है। वो ये काम केवल अध्यात्म कर सकता है। अध्यात्म के अलावा कोई कानून नहीं कर सकता, कोई समाज सुधारक नहीं कर सकता। गुप्तेश्वर पांडे अपने बयानों से अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं और इस बार भी उनका ये बयान चर्चा का विषय बन चुका है। ये थी सहरसा से धीरज सिंह की रिपोर्ट बिहार तक के लिए।